नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के 10 अनमोल विचार। पहला, स्वामी जी कहते हैं कि पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। वह ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा, स्वामी जी कहते हैं कि सब उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर ले लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ही है। चौथा, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। पांचवा, स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपके लक्ष्य के मार्ग पर कोई समस्या नहीं आ रही है तो यह सुनिश्चित कर ले कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। छठवा, नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। सातवा, स्वामी जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आठवा, विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचा गिराते हैं, इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। नौवा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दसवा, दोस्तों स्वामी जी कहते हैं कि यह संसार कायरों के लिए नहीं है, पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता और असफलता की चिंता मत करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।